जल्दी चौकीदारी करी थी। अभी तक मेरा वेतन 32 साल से कोई नहीं दिया है और मैं हर एक अधिकारी के पास घूम लिया, कोई अधिकारी मेरी नहीं जाना है। मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ। कहाँ पर बैठे हो? मैं प्रेसिडेंट में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ। कब तक बैठोगे? मैं जब तक मेरा न्याय होगा जब तक मैं बैठा हुआ अपनी आत्महत्या कर लूंगा। सरकार चाहे मायावती की हो या मुलायम सिंह की, कल्याण सिंह की हो या राजनाथ की, अखिलेश की हो या योगी की, यूपी से करप्शन कम होने की बजाय दिनों दिन पैर फैलाता ही जा रहा है। फिलहाल सरकारी करप्शन की ताजा खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां गुजरे 32 साल तक सरकारी करप्शन और भूख को बर्दाश्त करने के बाद बूढ़े को SDM ऑफिस पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। दरअसल अलीगढ़ की खैर तहसील में पिछले 32 साल से चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग नबी मोहम्मद को वेतन ना मिलने से परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। हालांकि अभी भी तहसील और जिला प्रशासन के कान तले जू नहीं रेंगी है। पीड़ित चौकीदार ने तहसीलदार से मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन किसी की आत्मा नहीं जागी। यहां सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसी अलीगढ़ में थाने में भाजपाइयों के हाथों पीटे जाने वाले दरोगाओं को सिर्फ आधा घंटे के अंदर ही योगी ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इस बूढ़े को सैलरी दिलवाने की फुर्सत नहीं है। मेरा नाम नबी मोहम्मद है। कहां के रहने वाले हो? अच्छा, क्या समस्या दादा तुम्हारी? समस्या जय के साथ मेरे 32 साल से कोई नौकरी नहीं थी। अच्छा। किसमें चौकीदार थे? मैं महापौर लगे दो के पीछे स्थान बना हुआ है। किसके पीछे बना हुआ है? ये तहसील के पीछे बना हुआ है। अच्छा, फिर उसमें मैं चौकीदार अभी कर रहा हूँ, जल्दी चौकीदारी करी थी। अभी तक मेरा वेतन 32 साल से कोई नहीं दिया है और मैं हर एक अधिकारी के पास घूम लिया, कोई अधिकारी मेरी नहीं जाना है। मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ। कहाँ पर बैठे हो? मैं प्रेसिडेंट में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ। कब तक बैठोगे? मैं जब तक मेरा न्याय होगा जब तक मैं बैठा हुआ अपनी आत्महत्या कर लूँगा।